और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल नहीं करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। तो नोटबंदी मामले में जो केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी का मामला बंदी की गई थी उससे संबंधित कई याचिकाएं उसके खिलाफ दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई चल रही है। और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि अब तक हलफनामा दाखिल क्यों नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 24 नवंबर तक का समय दिया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, देश में नोटबंदी एक इसके विपक्ष द्वारा लगातार आपको बता दें विपक्ष ने इसकी खिंचाई की थी और इस पूरे मामले से संबंधित कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। उन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल नहीं करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। हमारे सहयोगी हरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लगातार अपडेट ले रहे हैं। हरीश बताइए क्या कुछ आगे की जानकारी है, कोर्ट द्वारा सेंटर को फटकार लगाया गया है और 24 नवंबर तक का समय दिया गया है एफिडेविट सबमिट करने के लिए। Yes, that is it. Supreme Court was hearing a batch of petitions which had challenged the decision of the Supreme Court to demonetize, in decision of the central government to demonetize these 500,000 rupees notes. And today, when the matter was taken up, as per the direction of the Supreme Court on the last date of hearing, by today the center and the RBI was to file its affidavit making it stand clear on the demonetization and also keep the entire papers behind the or regarding the decision making process before the court today, but Attorney General Venkat Ramani sought more time to file the affidavit, say that it's not ready. RBI is also said that it is working to complete the affidavit soon. It's not ready, and therefore requested more time. The Supreme Court said that the matter, so since the affidavit has not been filed, it is forced to adjourn the matter. It will be adjourned till November 24th, but pulled up the center for not filing the affidavit, saying that constitution bench, which comprises of five senior judges of Supreme Court, does not rise like this, does not adjourn a case like this. But the last opportunity is being given to the center to file affidavit, and the next date of hearing has been fixed for November 24th. Back to you. जी हरीश, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, केंद्र द्वारा जो नोटबंदी की प्रक्रिया की गई थी पूरे देश में, उसके खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई चल रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है। अब तक केंद्र द्वारा इस पूरे मामले पर जो एफिडेविट सबमिट करने की बात की गई थी, हलफनामा दाखिल करने की बात की गई थी केंद्र की तरफ से, वो हलफनामा दायर नहीं किया गया है और कोर्ट द्वारा अगली तारीख सबमिट करने की दी गई है कि केंद्र को उस तारीख को यानी 24 नवंबर तक की वो तारीख दी गई है जिसमें केंद्र सरकार को अपना हलफनामा दायर करना होगा।